नमस्कार साथियों, मैं संदीप नोकवाल और आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। साथियों, आपको बताना चाहूंगा कि खराब सड़कों से नागरिक प्रशासन आम जनता समेत काफ़ी लोग इतने परेशान हैं कि आप टाइटल देखें अंदाजा लगा चुके होंगे कि मंत्रियों को चैलेंज दिया गया है कि अब हम मंत्रियों की कोठी के बाहर गड्ढा खोदेंगे। जी हाँ, सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से, सड़कें ना बनने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। यह मामला हिसार से सामने आया है, जहां पर चैलेंज किया गया है यहां पर सरकार के मंत्रियों को कि अगर सड़कों के गड्ढे बंद नहीं किए गए, अगर सड़कें नहीं बनाई गई तो वो इकट्ठा होकर मंत्रियों की कोठी के सामने गड्ढे खोद देंगे। जी हाँ, अगर रोडों की बात की जाए तो हिसार में आप देख सकते हैं कि हिसार से बगला रोड और काफ़ी लोकल रोड जो हिसार के सिटी के अंदर हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ पर गड्ढे देखने को मिलते हैं। अगर बारिश आती है तो वहाँ पर हालचाल ऐसा हो जाता है कि कई बार वहाँ पर लगातार महीने में खड्डों की वजह से हादसा कोई ना कोई आपको देखने को मिलता है। इसी वजह से लोग परेशान हुए और लोगों ने चैलेंज किया कि अगर सरकार इन पर ध्यान नहीं देंगे तो वो उनकी कोठियों के बाहर खड्डा खोद देंगे। वहीं पर कुछ लोगों का कहना है कि ये खड्डा 2024 में जनता के द्वारा खोद दिया जाएगा। काफ़ी लोगों का मानना है कि यहाँ पर जो मंत्री है काम नहीं करते हैं, सभी मंत्री जो है अपनी रोटियाँ सेक रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर वादे किए गए थे चुनावी समय में। अगर आदमपुर उपचुनाव की बात की जाए तो आदमपुर से पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने जनता से वादे किए थे कि आदमपुर के रोडों को सुधार देंगे, आदमपुर के रोड ठीक करेंगे। आपको हमारे चैनल पर वीडियो भी मिल जाएगी कि किस प्रकार से कुलदीप बिश्नोई ने वादे किए थे कि 500 करोड़ रुपये जो है सरकार ने मंजूर कर दिए हैं, ये रोडों पर लगाए जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं चुनाव को 6 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी प्रकार के रोड पर कोई भी कार्य आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो आप बगड़ा से आदमपुर जाएंगे बाया काबरेल होकर, तो उस रोड पर भी आपको काफ़ी खड्डे वगैरह देखने को मिलेंगे। इसी वजह से जो है यहाँ पर लोग हाइपर हुए और मंत्रियों के कोठी के सामने खड्डे खोदने का चैलेंज तक कर दिया। इसको लेकर आपका क्या सोचना है आप कमेंट कर सकते हैं। इसी वजह से भाजपा पार्टी को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है, भाजपा पार्टी के नेताओं को सिर झुकाकर भी चलना पड़ रहा है। और इस कार्य ना होने की वजह से, रोड ना बनने की वजह से हिसार की जनता एयरपोर्ट ना बनने की वजह से भी परेशान है। इसको लेकर आप क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। जय हिंद।